देखिए यहाँ चिरमिरी में सबसे पुराना जो कोयला का खदान है यही है कि नहीं? 100 वर्ष पहले ये बनाया गया। यहाँ जो कोयले का क्षेत्र है वो आगे उसको आगे इंदिरा जी ने बढ़ाया, उन्होंने जो खदान है उनका राष्ट्रीयकरण कराया ताकि आप सबको रोजगार मिले, यहाँ पे खुशहाली आए और इसी के जरिए लाखों मजदूरों को रोजगार मिला। आज जो देश में राजनीति है वो एक तरह से गरीबों के विरोधी, मजदूरों के विरोधी, श्रमिकों के विरोधी, किसानों के विरोधी राजनीति चल रही है। आपको बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बताई जाती हैं, खास तौर से जब भाजपा के बड़े बड़े नेता आपके सामने आते हैं, आपको बताते हैं कि देश में बहुत खुशहाली है, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत चीज़ें गिनाते हैं कि बड़े बड़े इवेंट किए हैं, बड़े बड़े विदेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश में आए हैं। लेकिन जब मैं आपसे कहती हूँ कि आपको गहराई से बातें समझनी हैं तो मेरा मतलब ये है कि ये जो नेता आपके सामने आते हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं, भाजपा के नेता, खास तौर से मोदी जी, तो आपको गहराई से पूछना पड़ेगा अपने आप से कि भाई ये आपकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं आज के दिन, है कि नहीं? मेरे भाई यहां खड़े हैं, है ना? आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं लेकिन उनकी बातें मंचों पे नहीं हो रही है। इन मंचों पे जो बात होती है वो बड़े बड़े इवेंट की बात होती है, कोई G20 बोलता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई चीन की बात करता है। आपके जीवन में जिन संघर्षों से आप गुजर रहे हैं उनकी बात नहीं होती। आज यहाँ आप ही के इलाके में हालात क्या है, कई खदानें बंद हो गई हैं, हुए कि नहीं? हुए है ना? और कईयों का निजीकरण हो गया है। बघेल जी ने बोला बड़े बड़े खरबपति अडानी जी को दिए गए हैं, कांग्रेस के जरिए ये बनवाए गए। यहाँ पे कोरबा कोल फील्ड्स थी, सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाए, लेकिन मोदी जी ने लगभग सब कुछ आस्ते आस्ते अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे दिया है। यहाँ के खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सारी सड़कें, बिजली, पावर, ये सारी चीज़ें अब अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दी हैं। ये सब चीज़ें बहनों और भाइयों, ये सब संपत्ति किसकी है? ये संपत्ति मोदी जी की नहीं है, ये संपत्ति किसी नेता की नहीं है, ये देश की संपत्ति है। देश की संपत्ति आप अपने आंखों के सामने आपने देखा, जब देश की संपत्ति थी तो रोजगार मिलते थे इन खदानों में और सुरक्षा भी मिलती थी रोजगार की। आज सरकारी नहीं रहे तो बड़े बड़े सेठ तय करेंगे कि आपका वेतन क्या है, बड़े बड़े सेठ तय करेंगे कि इसको बंद करना है चलाना है, बड़े बड़े सेठ सारे निर्णय लेंगे। तो जो आपको एक पहले एक रोजगार की सुरक्षा मिलती थी वो नहीं रही।